नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में सूर्याबज में। और मैं आज आपको इस चैनल पे पूरी जानकारी, जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेकेंड ओडीआई मैच होने वाला है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सारी टीमें बताई जाती हैं। तो उसके पहले देखो, मैं बता देता हूँ कि आपको मैच टीम देने के पहले मैं कुछ स्टेट दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पर देखो कि ये आपको अभी जो मैं टीम देता हूँ फाइनल टीम नहीं होती है। फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे आपको टॉस के बाद फाइनल टीम प्रोवाइड करा जाती है। माई फेव 11, ड्रीम 11, रियल 11 और सारी टीमें आपको वहाँ पे दी जाती है। ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग सभी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। उसके बाद देखो, मेरे टीम का मोटो है, मेरे चैनल का मोटो है कि मेरी टीम से खेलोगे तो पैसे लेकर आओगे, दूसरे टीम से खेलोगे तो पैसे देकर जाओगे। तो सोच लो आपको लेना है या देना है। उसके बाद वेन्यू देखिए इस मैच का, आपको MCA ग्राउंड महाराष्ट्र में, ये पुणे में मैच होगा। सेकेंड ODI है इंडिया इंग्लैंड के बीच, ये 3 मैचों की सीरीज़ है। कल 1:30 बजे से 26 तारीख को मैच खेला जाएगा। पिच जो है बैटिंग पिच है, एवरेज स्कोर यहाँ पे 279 के आसपास बनता है। टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास रहने वाला, थोड़ी गर्मी रहेगी। वेदर रिपोर्ट आपको स्काई क्लियर रहेगा। उसके बाद देखो, पिछले हेड टू हेड इनको रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, तो ये जो मैच है 3 मैचों की सीरीज़ है। इसमें पहला जो मैच है वो इंडिया जीत चुका है, बाकी 2 मैच बचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, इंडिया और इंग्लैंड अगर पहले और सेकेंड और फर्स्ट बैटिंग की बात करते हैं, तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड के साथ 71% मैचेस जीती है, इंग्लैंड 73%, सेकेंड इनिंग में इंडिया 45% और इंग्लैंड 50%। तो ये सब सारी जानकारी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं ये आपको इंडियन स्क्वाड्स के बारे में। आपको अगर जो मेरे चैनल से जुड़े उनको पता होगा कि मैं रन के बारे में नहीं बताता, मैं ड्रीम इलेवन पॉइंट के बारे में बताता हूँ। क्योंकि ध्यान से देखना, गौर करना, आपको किसी और चैनल पर ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं, मेरे ही चैनल पर ये अनोखा एक जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो जो भी मतलब प्लेयर हैं उनके पिछले मैच में ड्रीम इलेवन क्या पॉइंट्स बने थे उनको, क्योंकि हम लोग जब भी, आप ध्यान करोगे कि जब भी हम लोग टीम बनाते हैं तो पॉइंट के अनुसार ही हम लोग जीतते हारते भी हैं। जिसका जितना पॉइंट होता है उसी के अनुसार हम लोग हार जीत हम लोग का डिपेंड करता है ड्रीम इलेवन पर या किसी भी ऐप पर। तो हम लोग पॉइंट देख कर ही टीम का एनालिसिस करेंगे। ये देखो आप, पिछले सबका जो भी मैं प्लेयर हैं सबका मैं पॉइंट पिछले 5-6 मैचेस का इकट्ठा किया हूँ, बहुत मुश्किल से लगती है, इसलिए वीडियो लाइक जरूर करना। बहुत मुश्किल लगता है भाई साहब वीडियो बनाने में, तो आप लोग लाइक जरूर करें। यहाँ पे देखो, भारत के तरफ से रोहित शर्मा और धवन ओपनिंग करेंगे, उसके बाद 3 नंबर पर विराट कोहली। और मैं श्रेयस अय्यर की इंजरी के बारे में बताता हूँ कि मैं श्रेयस अय्यर जो है इंजरी के चलते वो बाहर हो चुके हैं, उनके जगह पर सूर्य कुमार यादव के खेलने के चांसेज हैं। तो ये जो टॉस के बाद जो भी कुछ होगा मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे राहुल विकेट कीपिंग करेंगे भारत की तरफ से, पिछले मैच में काफ़ी अच्छा स्कोर किए थे ये, और पंत का खेलने का कोई चांस है नहीं। भारत की तरफ से मेन बॉलर शरदुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, भुवनेश्वर कुमार, ये भारत की तरफ से मेन बॉलर हैं। उसके बाद डेथ और स्टार्टिंग बॉलिंग में आप देखेंगे कि भुवनेश्वर कुमार, शरदुल ठाकुर और पी कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा, ये तीनों ही ओपनिंग में और डेथ में बॉलिंग करेंगे। तो इसके अनुसार आप लोग अपने टीम में चुन लो। उसके बाद हम लोग इंग्लैंड स्क्वाड के बारे में बात करते हैं, तो इंग्लैंड का कुछ स्क्वाड इस तरह से है। यहाँ भी जेसन राय, मॉर्गन, बेरेस्टो, बटलर, स्टोक्स, इस तरह से स्टोक्स ऑलराउंडर हैं, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं, इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख सकते हो। उसके बाद सैम करन पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, मोइन अली 46 पॉइंट दिए थे पिछले मैच में। इनके मेन बॉलर हैं आपको मार्क वुड, राशिद, टॉम करन, सैम करन, ये लोग आपको डेथ में भी और स्टार्टिंग में भी बॉलिंग करते दिख जाएंगे। इनके देखिए डेथ और स्पेशलिस्ट बॉलर हैं मार्क वुड, टॉम करन, सैम करन। उसके बाद देखो, हम लोग बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन स्मॉल लीग के लिए पहले बात करेंगे, फिर आपको ग्रैंड लीग के लिए मैं बताऊंगा। अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो 2 से 3, 4, 5 मेंबर, तो उसमें आप लोग विराट कोहली, स्टोक्स, रोहित शर्मा, बटलर, इन सबको कैप्टन वाइस कैप्टन आपस में रोटेट कर सकते हो। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में आप हार्दिक, जेसन राय, मलान, बेरेस्टो, इन लोगों को आप, अभी मैं लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको ग्रैंड लीग के 1-2 डेमो भी दिखा दूंगा, उसके अनुसार आप लोग अपने से खुद से भी टीम बना सकते हो। और ये सब कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस हैं। उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंग्लैंड का स्क्वाड है और ये इंडिया का स्क्वाड है। पिछले मैचेस की इनके ड्रीम इलेवन पॉइंट्स इतने इतने दिखाए गए हैं, इनके अनुसार आप खुद ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग की टीम बना सकते हो। उसके बाद हम लोग टीम के बारे में बात करते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ से मैंने राहुल को लिया है क्योंकि राहुल काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। पिछले मैच मैंने 62 का स्कोर किया था और ये टी ट्वेंटी में मतलब ख़राब फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन आप इस मैच, इस पुणे वाले ग्राउंड पे अच्छा खासा रन बना के दिए।
उसके बाद देखो विकेट कीपर में बाकी बटलर को ले सकते हो, पंत खेलेंगे नहीं, सैम बिलिंग्स बहुत लेट बैटिंग करने आते हैं इंग्लैंड की तरफ से, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको राहुल हैं। और उसके बाद बैटिंग में हम लोग बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, धवन, बेरेस्टो, रॉय, ये आपको पांच बेस्ट ऑप्शन हैं, क्योंकि इयन मॉर्गन बाद में आते हैं। अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो इयन मॉर्गन को एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही अनुभवी, बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, ये कभी भी अगर इनकी टीम के जल्दी जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो अच्छा खासा रन बना के अपनी टीम के लिए दे सकते हैं, जो कि ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। उसके बाद गिल खेलेंगे नहीं, श्रेयस अय्यर चोटिल हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, टॉस के बाद पता चलेगा खेलेंगे या नहीं। ऑलराउंडर में मैंने दो को लिया अभी फ़िलहाल के लिए, बेन स्टोक्स और कुणाल पांड्या। यहाँ पे अगर हार्दिक पांड्या को आप लोग लेना हो तो ले सकते, हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर रहा है इसलिए अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, और टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा लेना है कि नहीं। अभी फ़िलहाल मैंने दो को लिया है, स्टोक्स और कुणाल पांड्या, क्योंकि कुणाल पांड्या पिछले मैच में पूरे ओवर की बॉलिंग भी करते दिखे, एक विकेट भी लिया और अच्छा खासा रन भी बना के आपको दे सकते हैं, जो कि हम लोग को जीतने में मदद कर सकता है। उसके बाद बॉलर में देखो मैंने अभी तीन लिया है, शार्दुल ठाकुर, मार्कुड और प्रसिद्ध कृष्णा। देखो यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, भुवनेश्वर कुमार यहाँ पे, शार्दुल ठाकुर, मार्कुड, पी कृष्णा, तीन को अभी मैंने लिया है, और भुवनेश्वर कुमार को अगर आप लोग चाहें तो भुवनेश्वर कुमार को भी ले सकते हैं, बहुत ही भारत के अनुभवी अच्छे बॉलर हैं, कभी भी आपको तीन चार विकेट निकाल के दे सकते हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अभी मेरे टीम में नहीं बन रहे हैं इसलिए मैंने इनको नहीं रखा। उसके बाद देखिए कुलदीप यादव का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, चहल या कुलदीप में से कोई एक खेलेगा, टॉस के बाद मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे। राशिद भी अच्छे फॉर्म में नहीं है, विकेट नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद जो भी चेंजिंग होता है मैं बता दूंगा। टीम प्रीव्यू कुछ इस तरह से हमारी बनती है, अभी के लिए मेरे कैप्टन बेन स्टोक्स हैं, अभी के लिए बेन स्टोक्स हैं, और वाइस कैप्टन विराट कोहली हैं। आप अगर चाहें तो रोहित शर्मा, राहुल, इन लोगों में किसी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो ये स्मॉल लीग के लिए टीम है, और मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रैंड लीग के डेमो। ये देखो ग्रैंड लीग टीम वन है, दो डेमो दिखाऊंगा ग्रैंड लीग का, आप उसमें खुद से चेंजिंग कर सकते हो। ये टीम उस कंडीशन में बनाई गई है जब इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी मजबूत मतलब उभर के आएगी। तो यहाँ पे देखो मैंने भारत की तरफ से चार बैट्समैन, सात, मैं बार बार बताता हूँ कि अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो सात चार का कम्बिनेशन बेस्ट होता है, एक टीम मतलब भारत को मजबूत समझ के बनाओ, एक टीम इंग्लैंड के। तो ये पहला आपको यहाँ पे मैं मॉर्गन को, अगर मॉर्गन को इसलिए मैं कैप्टन बनाऊँगा, अगर आप इंग्लैंड के जल्दी जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो मॉर्गन आके आपको अच्छा खासा रन बना के दे सकते हैं और काफ़ी अच्छे हिटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भारत के सिर्फ भुवनेश्वर कुमार को मैंने रखा। और दूसरी टीम आप कुछ इस तरह से, ये टीम वन है और ये टीम टू है, ये टीम वन है ग्रैंड लीग की। यहाँ पे देखो मैं बटलर को कैप्टन बनाया हूँ, क्योंकि बटलर को लोग हल्के में ले रहे हैं, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है बटलर, और उनको हल्के में ले रहे हैं लोग, लेकिन बटलर काफ़ी कभी भी रन 50 या हाफ सेंचुरी या हाफ सेंचुरी बना के अपनी टीम को दे सकते हैं। तो ये भारत अगर मजबूत है उस स्थिति में है, और ये टीम टू जो है इंग्लैंड मजबूत है उस स्थिति में, तो आप इस तरह से अपनी भी खुद से भी टीम बना सकते हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग, ये स्मॉल लीग की टीम ये रही। तो आप लोग अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाना। ठीक है, थैंक यू।